हो गई मेरी सिस्टर। अरे कहीं नहीं हो, कहीं नहीं हो, छोड़ दे छोड़ दे। कैसी हो यार, गर्दन जा रही है। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है रात की 3 और लाडो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, सो नहीं रही है। दवाई दे दी तो उल्टियाँ कर दी सी। ना मेरे बच्चे, बुखार भी इतना तेज़ है इसका, सो नहीं रही है। बस ऐसे ही रोए जा रही है और इससे भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रही है। नींद आ रही, बट सोते भी नहीं बन रहा उसको। बुखार इतना तेज है ना कि चटके बहुत लग रहे हैं। आ मेरे बच्चे। क्या यार, सभी टाइम हो रहा है 5:30 और प्रिंसी अभी तक सो नहीं रही है, रोए जा रही, दूध भी नहीं पी रही कहीं नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसको, थोड़ी अभी चुप हुई है, लेकर मैं घूम रही हूँ तो वही रोना चुप होना, रोना चुप होना। इतनी रो रही है, इसी सिर पटक पटक के रो रही है। मेरे बच्चे को बोलो बेटा, अभी ना हॉस्पिटल खुलेंगे, फिर इसको डॉक्टर को बताऊंगी मैं। सो भी नहीं रहा मेरा बेटा। करांज रहा यार लल्ला तू तो। सो मैं भी प्रिंसी को लेकर थोड़ा बाहर निकली हूँ कि चुप हो जाइए, बहुत रो रही है बाहर, थोड़ी चुप है। चल नम नम खाएगा, शॉप ओपन हो गई होगी, चलते को कुछ दिला कर लाऊँ। क्या खाएगा बेटा मेरा? नम नम खाएगा मेरा बच्चा। देखो रो रो कर इसकी हालत क्या कर ली है। डॉगी नहीं है बेटा, इधर डॉगी देख रही है, उधर पीछे डॉगी रहता ना, आज डॉगी नहीं है राजा। चलो दूसरी जगह डॉगी बताऊंगी। ओके, 3 बजे से रो रही है, 3 बजे से जगी है तो चुप थी, दूध नहीं पी रही थी, इधर उधर रोना घूमना फिरना। तो फिर मैंने सोचा उसको दूध पिलाओ, दूध पिलाया तो दूध पिया और उल्टी कर दी। फिर बुखार तेज था तो मैंने दवाई दी तो और उल्टी कर दी। तो फिर लगा अब इसको क्या करूँ, रोना स्टार्ट हो गया, 2 बार की उल्टी कर दी उसने और रोए जा रही रोए जा रही। घर में भी उसको इतनी हो रही है, थोड़ी देर के लिए तो इसी कांप रही थी पूरी बॉडी उसकी, फिर मैंने उसको चिपकाया अपने से, जब जाके थोड़ी शांत हुई। नींद आ रही बट सो नहीं रही, इसको नज़र इतनी है। मैंने इसको अंदर ले जा रही थी, रो रही है, देखना गेट खोलूँगी तो। बाहर जाना है, अंदर नहीं रहना है। बाहर क्या करेगा बेटा। एवरीवन गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे आए हो, आप सब ठीक होंगे। सो पता है प्रिंसी को इतना बुखार आ रहा है, इतना बुखार आ रहा है, बहुत तेज है, रात भर से सोई नहीं। आप इसका फेस ही देख सकते हो, रोए जा रही अभी भी थोड़ी सोई, आधा घंटा सोई होगी, जब तक मैंने पूरी झाड़ू वगैरह निकाल दी, मेरा काम कर लिया, नहा ली, पानी रख दिया, दाल रख दी मैंने। बच्चे को बहुत बुखार आ रहा है, अभी ना इसको हॉस्पिटल हुआ तो लेके जाती हूँ मैं, पर सुबह सुबह से कोई भी हॉस्पिटल ओपन नहीं हुए होंगे, डॉक्टर कोई भी नहीं आए होंगे, सब 10-11 के बाद ही मिलेंगे। बहुत तेज फीवर है, बहुत ही ज़्यादा बेटे, इसको दवाई भी दे रही हूँ ना तो उल्टियाँ कर रही है। सभी टाइम हो रहा है 9 और प्रिंसी को मैंने सुला दिया है, सो नहीं रही थी तो मैंने ना जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आराम से जाप करती गई, उसके कान में बोलती गई, ठपकार के सुला दिया। पहले भी ऐसे ही सुलाया था जाप करके और अभी भी ऐसे ही सुलाया था, आराम से सो गई है। मैं तो बहुत रो रही थी। तो इधर मेरी दाल हो गई है, मैं फीकी दाल रोटी और कुछ भी बना लूँगी, सब्जी वगैरह थोड़ा लिक्विड खाऊँगी। तो दाल हो गई, शिवाय का पानी भी हो गया है। पहले मैं अपने मंदिर जो मैंने लाई हूँ मैं भगवान जी, तो उनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मेरे घर में मंदिर नहीं था। 16 श्राद्ध में आई रहने, तब
गणपति चल रहे थे तो मैंने सारा सामान जमा दिया, फिर 16 श्राद्ध चालू हो गए, तो 16 श्राद्ध में शुभ काम नहीं किए जाते तो फिर मैं मंदिर नहीं लेकर आई, और अभी मंदिर लेकर आई हूँ तो आज जमाऊंगी। कल पापा ले आए थे तो फिर नाइट हो गई थी, मेरा नाइट में भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते, मॉर्निंग में नहा के रूम का पोछा ओछा लगा के जमा के पूजा कर दूंगी मैं। तो पूजा कैसे करूँ यार, सामान सारा पेटी में रखा हुआ है और प्रिंसी सोई भी, तो फिर भगवान को जमाती हूँ, फिर जैसे ही प्रिंसी उठेगी तो पेटी में से सामान निकाल लूँगी भगवान को। बेटू श्री शिवाय नमस्ते, शिवाय नमस्ते। तो इधर शिवाय की चाय बन रही है और इधर मेरी दाल पक चुकी है और इनका पानी भी गर्म हो गया है। ये सारे काम मैं प्रिंसी को गोद में लेकर कर रही हूँ। लाडो देख, इसको बुखार आ रहा है, कितना बुखार है, मेरे को बहुत गर्म लग रही है, अपने ऊपर लिए इसको तब भी इतने चटके लग रहे हैं इसके, और फिर भी इसका डांस नहीं जा रहा। अभी गाने लगाए थे ना, इतना नाची इतना नाची, मतलब ऐसे 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 बस डांस करना मस्ती खो। आज ना मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा, बस ऐसे ही प्रिंसी को लेकर बैठे रहो, और करो भी तो उसको गोद में लेकर काम करो तो एक हाथ से कुछ काम होता क्या। आटा गूंद के अगर रोटियां भी डाल देती हूँ ना तो मेरी दाल है तो दाल रोटी और अचार साथ खा लेंगे, बट ये कुछ नहीं करने दे रही, नीचे ही नहीं उतर रही गोद में से। बेटे फिंगर को मुँह में डालो और फिर रुक के दो, गंदी बात होती है ना राजा, ये ऐसा नहीं करना। और किया आपने? नो। अब इसको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, शिवाय रेडी हो रहे हैं, बता लाती हूँ डॉक्टर को मैं, क्योंकि अभी बहुत वायरल चल रहे हैं बच्चों के बुखार। इसको एक दवाई दी थी जो डॉक्टर ने लिख कर दी थी, तो दवाई मैंने 2 बार दी और 3री बार नाइट में देकर सुलाई, दिन में 3 बार देने की थी, देकर सुलाई तो कुछ असर नहीं हुआ, बुखार बहुत रहा। फिर सुबह से भी दी तो वोमिटिंग कर दी, तो फिर मैं लाभ रहने ही दो नहीं देते हैं, अब सीधा डॉक्टर को ही बताते हैं, डॉक्टर भी तो चेक करेगा कि कितना बुखार है। फिर भी कम है, कम क्या ज़्यादा ही है यार, बहुत तकलीफ है। सो अभी हम जा रहे हैं प्रिंसी को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि प्रिंसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैंने खाना भी नहीं बनाया, सिर्फ दाल बनाई है, आटा गूंद के रख गई हूँ मैं, अब बाद में आके बनाऊंगी खाना, शिवाय खाना खाने आएंगे तभी बना लूंगी। बच्चों को पहले बताना जरूरी, आज मेरे कपड़े भी पड़े हुए धोने के, अभी चल जाते हो ना बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी हॉस्पिटल में। सो मम्मी और हम प्रिंसी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, शिवाय जॉब पे जा रहे हैं, उनको जाना है, देर हो रही है, मतलब तुम चल जाओ, मम्मी और हम गाड़ी से चल जाएंगे। तो उसको बता के आती हूँ, गाड़ी में चलाऊंगी, मम्मी इसको लेके बैठ जाएंगी, बहुत पुकारती है, तू मार खाएगी, अब मत पुकारना, बीमार इसीलिए पड़ रही है। हॉस्पिटल में हमको लगा डॉक्टर आ गए होंगे, क्योंकि पहले टाइम था 10 से 11 और अब टाइम हो गया है 12 से 1, तो अब क्या करें, हम बैठे हैं, जल्दी नहीं जा रहे, घर जाएंगे तो फिर और वापस जाओ रहा, मतलब क्या है, यही हम बहुत देर से बैठे हैं। प्रिंसी ने गाठिए भी खा लिए, पानी भी पी लिया है और उसकी नानी माँ के साथ सो गई है, और नानी और पेटी मैचिंग मैचिंग है, कितनी अच्छी सो गई है, सोन तो उसकी नींद नहीं पूरी हुई है। बेटा हटा दो हटा दो, तोल काटे पास तुम्हारा पाव अड़ा हुआ है, छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी, हट जाओ। तो इसको डॉक्टर को बता दिया है, डॉक्टर ने बोला है 3 दिन की दवाई दी है, दवाई देके देख लेते, नहीं उतरा तो फिर डबल बताएंगे। तो प्रिंसी को हॉस्पिटल बता दिया, दवाई वगैरह भी पिला दी है, और प्रिंसी इधर सोई है और उधर उसकी दरा सोई भी है। हम घर आ गए हैं क्योंकि ना अभी मम्मी पापा आने वाले हैं, तो मैं घर आ गई क्योंकि मेरा काम पूरा पड़ा हुआ है, आपको मैंने बताया था ना, मेरे कपड़े हुए ना कुछ हुआ, देखो कैसा पसारा फैला के गई थी, क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था, हॉस्पिटल जाना था, तो ऐसे सब पसारा फेंक के चली गई मैं। उसको डॉक्टर को बता देना बस मेरे को शांति होगी, नहीं तो आजकल ना बहुत ज़्यादा गलत गलत से वायरल चल रहे हैं, जिसका बहुत डर रहता है, मतलब काम तो होता रहेगा, मतलब बच्चा ज़रूरी है। मेरा घर देखो ना कैसा पड़ा हुआ है, बिखेरा, सब प्रिंसी के कपड़े, शूज़, बॉटल, दवाइयाँ, ये पानी की बॉटल भर के रखी थी ले जाने को, यहीं भूल गई मैं। सो
मेरा सारा काम हो गया है, कपड़े भी धुल गए, झाड़ू पोछे भी हो गए और बर्तन तो थे ही नहीं आज, फिर इसी को सुला भी दिया है। अब बस मेरे को कपड़े घड़ी करने हैं जो कल धोए थे वो वाले, तो वो कपड़ों को घड़ी कर देती हूँ। और प्रिंसी के कपड़ों को मेरे को छाटना है, मतलब कि कौन से पहनना है उसको और कौन से नहीं पहनना, क्योंकि अब छोटे होते जा रहे हैं कपड़े। और फिर गर्मी के हिसाब के कपड़े अलग हटाना है और ठंड के अलग करना है, क्योंकि ठंड के कपड़े पहनेगी आपको, गर्मी के तो पहनेगी नहीं, सब वही करना है। अब तो अभी पहले कपड़े घड़ी करती हूँ, फिर प्रिंसी के कपड़े अलग करूँगी। और ये तो फल मेरा रोज़ कैसी यूज़ हो रही है तो सब पूरी बिखेर गई है इधर उधर, तो इसको भी क्लीन करना है। आ रही, रुको, पिंची के दादा दादी आ गए। पांच छे दादी माँ पाँच, दादी माँ पाँच छे मेले पाँच, इच्छा नहीं करना पता दादी माँ है। दादाजी भी देते रहे ओ फिर तुम्हारे लाड़ बताएगी वो। सभी टाइम हो रहा है 3 और मेरे को अभी रेडी होना है, क्योंकि आज प्रिंसी की तोला दान है। प्रिंसी को आज मिठाई में तोलेंगे, आज उसको हम दुर्गा मंदिर ले जाएंगे और उसको मिठाई में तोलेंगे। कितनी किलो की रहती है क्या रहती है पता नहीं, हम मिठाई में तोलना है। तो मेरे को रेडी होकर मार्केट जाना है मिठाई लेने के लिए, तो पापा आए हैं तो पापा के साथ चली जाऊंगी, मम्मी यही रुकेंगे या फिर मम्मी को वाले घर छोड़ देंगे। सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हम जा रहे हैं प्रिंसी की तोला दान के लिए, मम्मी पापा साथ जा रहे हैं, तो उधर से हम शिवाय आ जाएंगे हमको लेने के लिए। पहले मैं और पापा मार्केट जाएंगे प्रिंसी को लेकर। सो मैं भी रेडी हो गई हूँ और इधर पुंसा रानी भी रेडी हो गई, आज प्रिंसी को तोलेंगे हम लाडू। तुम तो बहुत सुंदर लग ली हो, गौ माता आ गई, गौ माता को खिलाओ। गए दादा दादी गए, किसी के रही हूँ गए, मम्मी पापा गए। अब मेरे को मैं जाऊंगी, कान आ रहा है मेरे को लेने के लिए, गाड़ी पे इतने जन्म कैसे बैठते, कितनी सुंदर लग रही मेरी परी बेटी, मेरी प्रिंसेस झांक रही है कि मामा आगे छामने छी। हाँ तुम्हारी मामा आले छामनी थी। सॉरी पापा, मैं और प्रिंसी हम जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए, अब देखते हैं कौन सी मिठाई लाएंगे, जो पसंद आएगी वो लेकर आएंगे और उसको इसमें प्रिंसी को तोलेंगे। प्रिंसी का वेट जितना है ना, इससे थोड़ी ज़्यादा मिठाई ला के तोलेंगे। पोंछा अपन आ गए, पोंछा मिठाई लेने को। पोंछी अच्छी लग रही, कौन सी में तो अच्छी लग रही पोंछा तुमको? इधर है ना, ये ये क्या गुपचुप है? हाँ। इसका एक पेड़ा आता है गुपचुप का। सो प्रिंसी के लिए यहाँ पे देखो कितनी सारी मिठाइयाँ ले जा रही है, और तुम इतनी मिठाई खा जाओगी पहले हमको बता दो। प्रिंसी क्या चिल्ला रहा तू? दादू पा छीदा भेज जा, ओ कजला ले नैन वाली। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, सीधी नहीं रहती, हल्के हाथ से पकड़ो तो गिर जाए। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं दुर्गा मंदिर। हाँ हाँ, काटा भी रख लेंगे गाड़ी पे। अभी हम जा रहे हैं प्रिंसी को तोलने के लिए, बट प्रिंसी तो मेरे पास है ही नहीं, प्रिंसी गई है उसके दादा दादी पास। दादा दादी साथ आ रही है और हम इधर जा रहे हैं, दादा दादी आ रहे हैं अभी, आ रहे ना, आ रहे, चलो चलो वहाँ रुक जाएंगे। प्रिंसी को आज मिठाई में तोलेंगे, अब देखते हैं कितने किलो की निकलती है वो। फाइनली हम मंदिर आ गए हैं और यहाँ पे तोला दान करेंगे। मम्मी पोंछा लानी चलो। गाइस यहाँ पे पिंची का तलाजू आ गया और पोंछा लानी भी आ गई है, हमारी छुंदल छुंदल माता लानी। पिंचा टीटू आज तलाजू में तुलाएगी। मम्मा बुखार उतर गया इसका, बुखार उतर गया। पूजा हो गई है, दीदी।
वी डिड इट। चल जाना जी। और आप डब्बा रखी डब्बा रखो इसको बेटी नहीं बच्ची तो अभी बेटा छोड़ दे। अरे तुम तो हट जाओ ओ गई मेरी सिस्टर। अरे कहीं नहीं होए कहीं नहीं होए छोड़ दे छोड़ दे। तेरी कैसी हो रही है गर्दन जानी बस हो गई। बैठ बेटा बेटा जा बस 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 मेरी बिटिया दा नहीं बस हट तुम हट बस 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 वो पैकेट निकालो पैकेट में निकल रहा हूं। ओ नहीं जान दो नहीं जान दो आज चला दी लोली टू पोंछा सो प्रिंसी को अभी हमने तोल दिया है। अब जा रहे हैं हम टाइम क्या और टाइम हो गया है 5:11 बाबू। बस हाँ मिठाई तुम भी ले जाना ना तुम्हारी शॉप पे बाबू। और मौसम बारिश जैसा हो गया जैसा लग रहा बारिश हो गया। अले 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 पोंछा लानी दादी माँ जा लिए। चलो ले चलो बाहर ले चलो सोएगी वो। चलो 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 ले इसको लो। हाँ हम ये काटो उठाऊंगा इधर तोल काटा ले जा रहे। और दादी माँ जा ले पिंची गणपति पप्पा कहाँ है मम्मी बाई पास ए हाँ 11 के दिन घर दादी माँ जा ले बेटा कपड़ा लाइए के हाँ छब नाए हैं हम नाच रही हूँ उसको नाचने का शौक है। गौर से देखो इस शख्स को भाभी में बिना नहाई दो। सो शिवाय और ये तो अभी गए हैं दशहरे के कपड़े लेने के लिए भैया और शिवाय। और हमारे तो कोई दशहरे के कपड़े ही नहीं आते हमको भी नहीं मिलते हमारे बच्चे को भी नहीं मिलते इसके लाना है। और बाहर साउंड सिस्टम चालू हो गया है आरती होगी फिर गरबा होगा। तो प्रिंसी की जो तुलादान हुई थी तो इतनी सारी मिठाई है तो उसमें से एक पैकेट बच गया था तो एक पैकेट का हम प्रसादी में भोग दे देंगे और जो तुलादान की मिठाई थी उसको हम ऐसे ही बांट देंगे। तो ये लेने जा रही हूँ मैं शिवाय बोले बोले दे देना इतनी मिठाई कौन खाएगा। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे मात की जय पूरा गौरम करुणावतारम संसार सार।